नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज 11। भारत में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक में बीजेपी की विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा मौजूद रहे। इनके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और समिति की संयोजक पूर्व सांसद सुनील सिंह समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। योजनाओं के क्रियान्वयन में समय समय पर अनेकों समस्या भी आती रही हैं, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके लिए भी फीडबैक की टोली, और फिर हम जो अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं उस कार्यक्रम का सकारात्मक पक्ष क्या है। जैसे उदाहरणार्थ हमने गोगो दीदी योजना चलाई है प्रदेश में, जिसकी व्यापकता से जो उसको स्वीकारता मिली है, जिस व्यापक रूप में सामने झारखंड की वर्तमान सरकार उसके आगे काफी झुझला के बेबस हो गई है और अनेकों निर्णय वो ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल उन्होंने कहा कि राशि भी बढ़ाने की बात कही, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी विश्वसनीयता कायम है और लोगों को हम पर भरोसा है। तो इस दृष्टि से आने वाले समय में कार्यक्रमों की रचना करना, नेताओं का प्रवास लगाना, कहाँ किस रूप में किस कार्यकर्ता का उपयोग करना, और जो हमारा महत्वपूर्ण काम होता है बूथ कमेटी की संरचना को सशक्त करना, तो बूथ कमेटी की संरचना का सशक्तिकरण तो उसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है गोगो योजना, जो है हमारी गोगो दीदी योजना, उसके फॉर्म को भरवाने में, क्योंकि हमने सफलतापूर्वक राज्य के लगभग 90% से अधिक बूथों पर गोगो दीदी का फॉर्म भरा गया है। बल्कि सच कहें तो जनता हमसे आगे है, हम और प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरा के उसको चुनाव घोषणा होने के पूर्व भेज सकें। तो इन सब तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और समय के साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।